ट्रिकी है और हम उसको फॉलो करते करते जा रहे हैं क्योंकि हमको इस बारात में नाचना है। ये इधर दूल्हा बैठा है इस कार में। बारात में तो कोई नाच ही नहीं रहा है। आज है डे वन इन जगन्नाथपुरी, तो आज का पूरा दिन हमारा दर्शन में और शॉपिंग पे गया है। हम लोग बारात में नाचने गए थे, अभी अब वापस होटल पे जा रहे हैं। बारात में कोई था ही नहीं नाचने वाले, सिर्फ हम ही थे। हेलो फैमिली, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू आवर चैनल ट्रैवलिंग बीट्स। मैं हूँ आप सबकी अपनी ईशा राज। तो अभी मैं खड़ी हूँ जगन्नाथपुरी में और हम लोग कल ही जगन्नाथ आ गए थे। कल हम लोग ने नहा धो के रिफ्रेश होकर दर्शन कर लिए थे, उसका शॉपिंग और फिर डिनर भी हो गया था। सो कल ऑलरेडी हम दर्शन कर चुके हैं और आज हम फिर से दर्शन करने जा रहे हैं। और हम लोग मंदिर के पास ही रुके हैं, 1 किलोमीटर की दूरी पर। सो वो हमारा बहुत प्लस पॉइंट है कि हम लोग को सारी फैसिलिटीज पास में मिल रही है। इवन यहाँ पे वेज रेस्टोरेंट भी बहुत अच्छे से अवेलेबल है, तो हम लोग ने वहाँ पे खाना भी खा लिया था। सो हाँ, तो अभी अपन मंदिर चलते हैं और मैं आपको बताती जाती हूँ कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर है। लेट्स गो। जगन्नाथ मंदिर भारत के उड़ीसा राज्य के शहर पुरी में स्थित है। श्री जगन्नाथ मंदिर भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। जगन्नाथ शब्द का अर्थ जगत के स्वामी होता है। इस मंदिर को हिंदुओं के 4 धामों में से एक माना जाता है। पुरी के इस मंदिर में भगवान जगन्नाथ उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजमान हैं। तीनों देवताओं की प्रतिमा लकड़ियों से बनी हुई है और लकड़ियों की मूर्तियों वाला ये देश का अनोखा मंदिर है। मंदिर से जुड़ी एक मान्यता है कि जब भगवान कृष्ण ने अपनी देह का त्याग किया और उनका अंतिम संस्कार किया गया, तो शरीर के एक हिस्से को छोड़कर उनकी पूरी देह पंचतत्व में विलीन हो गई। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण का हृदय एक जिंदा इंसान की तरह धड़कता रहा। कहते हैं कि वो दिल आज भी सुरक्षित है और भगवान जगन्नाथ जी की लकड़ी की मूर्ति के अंदर है। इस मंदिर की रथ यात्रा विश्व प्रसिद्ध है। यात्रा में मंदिर के तीनों मुख्य देवता अलग अलग भव्य रथों पर विराजमान होकर नगर की यात्रा को निकलते हैं। मेरे व्यूअर्स जेन्युइन है ना, तो इसी बात पे वीडियो शेयर भी कर दिया जाए दोस्तों। हमारे साथ अभी ये हुआ, हम लोग अभी लंच कर आ गए हैं और उसके बाद जब हम दर्शन करने गए थे तो हम घूम भी गए थे, तो अभी मिल गए वापस से। लंच भी हो गया है और अभी हम लोग शॉपिंग कर रहे हैं। इनको ब्लॉग व्लॉग से फर्क ही नहीं, वो अपनी बार्गेनिंग करेंगे। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, शॉपिंग कर रहे हैं थोड़ी बहुत परिवार के लिए। हम लोग मैचिंग पहने हैं।
हम माँ बेटी मैचिंग कैसे लग रहे हैं हम लोग? कमेंट में बताओ। हम लोग फोटोशूट पे जा रहे थे मंदिर के पास, बट नहीं, हमारी माता श्री को कार रुकना है शॉपिंग के लिए। जहाँ उनको दिखती है शॉप वो लोग रुक जाते हैं। कितनी बार रुक चुके अपन अभी तक? दो बार। अभी भी आधी घंटा हो गया। आधी घंटा खड़े जो और ना देंगे, जो पर्पस के लिए हम लोग जाते हैं ना, वो पर्पस पहले ना करके दूसरा चीज पहले कर लेते हैं। टैलेंट। ये बहुत ही प्यारी सी लोकेशन है, यहाँ से हम लोग को पूरा टेम्पल दिख रहा है, वो ही है जगन्नाथ जी का मंदिर। तो हम लोग अभी फोटोशूट वगैरह कर रहे हैं, फिर रूम पर जाएंगे, रूम पर जाके चेंज करेंगे, चेंज करके बीच पर जाएंगे। तो ये अभी के प्लान है। क्या बोलना चाहते हो? दर्शन हो गए आपको? बिल्कुल दर्शन हो गए, हम तो रोज डेली दर्शन करने आ रहे हैं। yes. ऐसा लगता है कि बस मंदिर में आके बैठे रहो, और इतना अच्छा लगता है मंदिर। अरे अर्ली मॉर्निंग उठकर सबसे पहले मंदिर आए, उसके बाद सारी चीजें करिए, बिकॉज ऑब्वियसली फोन ले जाना अंदर बिल्कुल अलाउ नहीं है, तो अंदर का तो मैं बिल्कुल भी कैप्चर नहीं कर सकती, इसलिए मैंने आपको बाहर का सब बताया। यह मंदिर के शिखर का ध्वज रोजाना बदला जाता है। यह प्रथा पिछले 800 साल से चली आ रही है। मंदिर का ध्वज रोजाना शाम एक निर्धारित रीति रिवाज के तहत बदला जाता है। ऐसी मान्यता है कि अगर ध्वज को प्रतिदिन नहीं बदला गया तो मंदिर 18 सालों तक अपने आप बंद हो जाएगा। जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर जो ध्वज लगा हुआ है वो काफी दूर से नजर आता है। मंदिर के शिखर पर एक सुदर्शन चक्र भी है। इस चक्र को किसी भी दिशा में खड़े होकर देखने पर ऐसा लगता है कि चक्र का मुंह आपकी ओर है। चाहे आंधी तूफान हो या बारिश, मंदिर के शिखर पर ध्वज बदलने का यह धार्मिक रीति रिवाज रोज शाम को संचालित होता है। कई श्रद्धालु दर्शन के बाद इस अद्भुत प्रक्रिया को देखने के लिए रुके रहते हैं। तो लंच करके हम लोगों ने चेंज कर लिया था, और अभी हम लोग फिर से फ्रेशन अप होकर ड्रेस वगैरह चेंज करके जा रहे बीच पर। तो यस, बहुत ज्यादा टाइमिंग हो गई यार, बहुत मुझे पता है, हर बार का मेरे साथ है, मेरे साथ इतने लोग जाते हैं लेकिन सबसे ज्यादा और सबसे पहले जो टाइमिंग होती है ना मुझे ही होती है पूरे ग्रुप में। तो सीरियसली फिर से आज मेरे साथ वही हुआ है, बहुत ज्यादा टाइमिंग हो चुकी है, जिसमें सबसे ज्यादा सनस्क्रीन मैं ही लगाती हूँ फिर भी। तो अभी हम चलते बीच की तरफ, लेट्स गो। कलाकार हैं जो रेखी के द्वारा माँ काली की प्रतिमा बना रहे हैं। क्या नाम है भैया आपका? विश्वनाथ। हमेशा ही बनाते हो यहाँ के? शौकिया तौर पे बना रहे हो कि टूरिस्टों के लिए बनाते हैं ताकि टूरिस्ट ये देखकर खुश हो? बहुत ही अच्छी प्रतिमा बना रहे हैं। जय जगन्नाथ, जय 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 महाकाली। चलो बीच पर आ चुके हैं, हम बस नहाने वाले हैं इस बीच पे, और यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटी करें, जैसे कि कैमल राइड दिख रही है मुझे, और खाने की बहुत सारी स्टॉल्स भी है। बड़ा देंगे यहाँ पे सारी चीजें है ना, सब पेड है, सब पेड, मतलब आपको बैठना भी है ना कोई सीट पे तो वो भी आपको पे करना पड़ेगा। हाँ, बाकी जेट्स की भी हो रही है, कैमल राइड है, तो हाँ मस्त मस्त एक्टिविटी करने को भी है। नहाने चलते, नहाने नहाने चलो। तो हम पूरी बीच पे, पूरी बीच हम लोग यहाँ पे ऑटो से आए, ऑटो ने कॉल किया टेम्पल से बीच तक का 100 रुपीज लिया है, जिसमें 5 लोग थे, तो मतलब 20 रुपीज 4% हमको पड़ गया है। वर्थ है, चलो।
अभी हम लोग बीच पर नहाकर आ चुके हैं। हम लोग अभी बीच के पास ही बैठने वाले हैं, मजे करेंगे। पूरा बीच अच्छा लग रहा है तो अभी हम लोग यहीं पे मजे करने वाले हैं। लेट्स सी, स्ट्रीट फूड बहुत सारी है, बहुत सारी शॉप्स है नियर बाय, तो मे भी हम लोग कुछ खाए और उसके बाद फिर होटल जाएंगे। मम्मी जब भी हमारे साथ जाती है तो अक्सर गायब हो जाती है, फिर हम उन्हें शॉप पर ढूंढते हैं किसी भी, तो वो मिल जाते हैं। हमें आप लोगों को एक चीज सजेस्ट कर देती हूँ, मेरे को कोई बता देता तो मेरे बहुत पैसे बच जाते हैं, कि जो जगन्नाथ मंदिर है ना उसके उधर जितने भी शॉप्स वगैरह है वहाँ पे बार्गेन तो डेफिनेटली कर लेते हैं। आपको लगता है कि यार बार्गेन कर ले आप जीत चुके हो, बट नहीं, दे आर सो स्मार्ट। उधर के रेट्स थोड़े से ज्यादा है एज कम्पेयर टू बीच, क्योंकि हम लोग ने सेम चीजें बहुत मिलती है इधर, तो इसके रेट से आपको पूछे ना तो 100-150 का डिफरेंस आ रहा है। सो अगर आप लोग शॉपिंग करना चाहते हो, कभी भी कुछ भी चीज़ ले रहे हो, तो रिफर करना कि आप मंदिर वाले जो स्ट्रीट है वहाँ से ना लेकर बीच साइड से लो, यही एक टिप थी। अभी हम लोग होटल रूम से निकल कर फ्रेश होकर अभी हम लोग आए हैं डिनर करने, तो डिनर में आज हम लोग खाने वाले मसाला डोसा और पाव भाजी। यस, चलो खाते हैं। That's it for today's video. आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट में जरूर लिखें आपको बेस्ट पार्ट क्या लगा वीडियो का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एवरीवन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, योर फैमिली एंड एनवायरनमेंट। जय जगन्नाथ। ये रिकॉर्ड क्या हमने जो आपने फाड़ा है ना गंदी तरीके से पन्नी। अपने पास का एक स्कीम है, उसके दिन में पैसा डबल। किस दिन में पैसा डबल? जोर जोर के बोल के स्कीम बता दे लोगों को। यहाँ पे लोग इतना घूम रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों घूम रहे हैं। क्या मैं सेलिब्रिटी जैसे दिखती हूँ? आ गए। चले गए, फिर से गए दूसरी शॉप पे गए। अब मेरे बाल तो और बिखरते जा रहे हैं। तू आ रहा है? हाँ, मैं तो आऊंगा ही ना, मेरे बिना थोड़ी कम्प्लीट होगा कुछ कुछ भी। सैंड पे सैंड क्या होता है उसको? ये कौन सा बीच है? ऑटो ने कॉस्ट किया है हमें कितना कॉस्ट किया? चले तो ओए, खाते खाते क्या आ रहा है? क्यों क्या हो गया? इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक वाली रिक्शा, होटल वीआईपी रिसॉर्ट। और साइकिल हम पे टेस्ट चल रही है दोस्तों, साइकिल हो गया। ओ भाई साहब, भाई साहब साइकिल के आगे जाते हो हम लोग, साइकिल के आगे, साइकिल के आगे।